हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली बॉम्ब। इडली बॉम्ब बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। उसे तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है 1 चम्मच। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालूंगी, थोड़ा सा राई डालूंगी सरसों, और अब इसके अंदर मैंने ये अदरक प्याज और लहसुन का चॉप किया हुआ है ये डाल दूंगी। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अब मैंने इनको भून लिया है, प्याज मेरे थोड़े गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा फ्रोजन मटर डालूंगी, मीडियम हल्का सा भून लेंगे। ये 2-3 मिनट में ही सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मेरे मटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हींग डालूंगी। अब थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी कलर वाली मिर्च है ये डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर मैंने 2 आलू उबाल के इनको मैश कर लिया है। अब इनको मिलाऊंगी मैं इसके अंदर। अब ये मेरी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं। मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। अब मैंने अपनी स्टफिंग एक बॉल के अंदर निकाल ली है और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम अपना इडली का बैटर तैयार कर लेते हैं। इडली का बैटर बनाने के लिए मैंने 2 कप सूजी ली है और इसके अंदर 1 कप मैंने फ्रेश दही डाला है और उसको मैंने आधा घंटे के लिए मिलाकर फूलने के लिए रख दिया था। लेकिन अभी भी ये मेरा बैटर थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब मैंने इसके अंदर आधी कटोरी पानी ऐड कर दिया है। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। अब मैं इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ते तोड़कर ऐसे ही डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। अब इस बैटर के अंदर मैं थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूंगी और जितना बेकिंग पाउडर लिया है मैंने आधी चम्मच, उसका आधा मैं बेकिंग सोडा डालूंगी। ये मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब मैंने ये 4 कटोरियां ली हैं 1 से साइज की। कटोरी हमारी नीचे से फ्लैट होनी चाहिए और इनको मैंने इस तरह से घी लगाकर ग्रीस कर लिया है 4 कटोरी को। अब मैंने कुकर के अंदर स्टैंड लगाकर पानी उबलने के लिए रख दिया है 1 गिलास पानी। उधर हम अपनी कटोरी में स्टफिंग भरते हैं। अब 1 कटोरी में हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको इस तरह से गोल शेप में बनाकर इस तरह इसके बीच में रख देंगे और इसके ऊपर फिर से बैटर डाल देंगे। इसको हमें जो स्टफिंग है इसको कवर करना है अच्छे से। ये कवर हो गई है। अब इसी तरह से हम 4 को भरकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने इनके अंदर सभी के अंदर आलू की स्टफिंग रख दी है और इस तरह दही रखने के बाद इस तरह ये मिक्सचर डाल के इन सबको हमें कवर कर देना है और ज्यादा ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि अभी हमारी ये फूलेगी तो फिर कटोरी ऊपर तक भर जाएगी तो बाहर निकलेगा वो। अब मैंने सबको इस तरह से कवर कर दिया है। अब मैं इसको कुकर के अंदर रखना शुरू करती हूँ। अब ये मैंने कुकर के अंदर रख दिया और अब इसके ऊपर हम बिना सीटी के ढक्कन लगा देंगे इसका। अब मैंने ये कुकर का ढक्कन लगाकर इसको रख दिया है और अब हम इसे 10 मिनट बाद चेक करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम हाई रखनी है क्योंकि स्टीम इसमें लगातार बनते रहना है तभी हमारे अच्छे से पक पाएंगे।
अब इस तरह से हमने एक टूथपिक ली है और इसको इसके साइडों में डाल के इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए हमारी ये बिल्कुल साफ आ रही है, इस पर कुछ भी लक्कड़ नहीं आया है, इसका मतलब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बाहर निकालेंगे। अब हमारे ये ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्ड करने के लिए हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसे इस तरह से चारों तरफ से हल्का हल्का हटाएंगे। इस तरह हटाने के बाद हम एक प्लेट के ऊपर से इस तरह से उल्टा रख देंगे और उसे हल्का सा थपथपाएंगे। ये देखिए हमारा निकल कर तैयार हो गया है और कितना अच्छा बॉम्ब बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हम तीनों को निकाल लेते हैं। मैं एक और निकाल के दिखाती हूँ। इसी तरह इसको हम चारों तरफ से इस तरह करेंगे, हल्का हल्का उल्टा रखेंगे इस तरह। अब हम इस तरह से टैप करेंगे और कटोरी को उठा लेंगे। ये देखिए हमारा ये भी निकल कर तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह से मैं तीनों को निकाल लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने तीसरा भी निकाल दिया है और कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं और देखना कितने स्पॉन्जी हैं। ये हमारे बॉम्ब बनकर तैयार हो गए हैं। अब मुझे इसको थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है। उसे करने के लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है 1 चम्मच, और ये हमारा जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होने वाला है, क्योंकि 1 चम्मच तेल हमने स्टफिंग को तो फ्राई किया था तब डाला स्टफिंग को फ्राई करते हुए, और 1 अब जब हम ये बॉम्ब फ्राई करेंगे तब डालेंगे बस। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा सरसों डालूंगी, मस्टर्ड सीड, करी लीफ, थोड़ी सी हल्दी, अच्छे से मिलाएंगे इसको, और बहुत हल्का सा नमक, क्योंकि नमक हमारा स्टफिंग में भी है और बाहर सूजी का जो हमारा बैटर था उसके अंदर भी था, इसलिए बहुत हल्का सा नमक डालेंगे। अब मैं इसके अंदर एक एक करके ही अपना बॉम्ब रखना शुरू करती हूँ। पलट देंगे इसी तरह से। अब ये मैंने इस तरह से हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। निकालना हमें बहुत धीरे से इसको, वरना ये टूट जाएंगे बीच से। ये देखिए कितने प्यारे बॉम्ब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए अब हम प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। अब हम इनकी प्लेटिंग करना शुरू करते हैं। और एक मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे बहुत ही टेस्टी सूजी बम बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। आप इसे किसी भी तरह की चटनी से सर्व कर सकते हैं, कोकोनट चटनी, टमाटर केचप, ये देखिए, या कोई भी ग्रीन चटनी, मिंट चटनी, कोई भी आप अपनी पसंद की चटनी से इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।